सबसे पहले आप मेरे लेटेस्ट अपडेट्स अपने मेल में पाने के लिए यहाँ सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ एक बेल आइकन दिखेगा, उसे प्रेस करिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हफीज़, आप देख रहे हो हिंदी टेक ट्यूट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मोबाइल पे जो कुछ भी कुछ हिडन सेटिंग्स होते हैं ना, उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उसमें जो पहला सेटिंग है उसके लिए देखिए, आप पीछे इस तरह नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद आपके नोटिफिकेशन बार पर जाने के बाद आपके पास यहाँ एक सेटिंग का आइकॉन दिखाई देना, इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखने से क्या होता है, देखिए आपके पास यहाँ एक कंग्रेचुलेशन सिस्टम ट्यूनर नाम का एक UI ट्यूनर नाम का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। जनरली ये नहीं रहता है, पर आप उसको 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखने के बाद इस तरह का एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हो, देखिए मेरे मोबाइल में तो कुछ ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, पर आपके मोबाइल पे यहाँ कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे नोटिफिकेशन बार के लिए। वहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ मेरा टाइम कैसे दिखा रहा है, 4:23 दिखा रहा है ना, ठीक है। तो आप इसको सेकंड्स के साथ देखना चाहते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, उसमें टैप करके आप यहाँ सेकंड लगा सकते हो, वाईफाई को ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, यानी बहुत सारे यहाँ जो कुछ भी नोटिफिकेशन बार्स है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, और एक सेटिंग ये है कि आपके मोबाइल पर आप वाईफाई यूज़ करते हो, पर देखिए क्या होता है, आपका स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी वो वाईफाई चलता ही रहता है। तो आप ऐसा ना चाहते हो कि आपका वाईफाई चलता ही रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप एक सेटिंग कर सकते हो। उसके लिए देखिए, आप इधर नोटिफिकेशन बार पे जाने के बाद यहाँ आपके वाईफाई को प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो प्रेस करके रखने के बाद क्या होगा, ये वाईफाई के सेटिंग्स पर चला जाएगा। जाने के बाद देखिए, आपके पास यहाँ सेटिंग का आइकन दिखाई देगा, इसको टैप करिए। इसको टैप करने के बाद देखिए, कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप है ना, यहाँ इसको टैप करिए, यहाँ ऑलवेज है ना, इसको नेवर लगा दीजिए। इसे क्या होगा, जब भी आप अपने स्क्रीन को अनलॉक करोगे ना, तब वाईफाई कनेक्ट होगा। अगर आप स्क्रीन को ऑफ़ कर देते हो तो, यानी मोबाइल स्क्रीन को ऑफ़ कर देते हो तो ये वाईफाई ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होता है, आपका डाटा भी बच जाएगा और आपके मोबाइल का चार्जिंग भी बच जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बार ट्राई करके देखिए। तो फ्रेंड्स, और एक ट्रिक ये है कि बहुत सारे लोगों के हाथों में आजकल फिडजेट स्पिनर बहुत दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके पास भी एक फिडजेट स्पिनर हो, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल ओपन करने के बाद देखिए, सिंपली यहाँ फिडजेट स्पिनर टाइप करिए। टाइप करते ही देखिए आपके पास एक अच्छा सा फिडजेट स्पिनर आ जाएगा। इसको आप जैसे सब लोग कैसे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छे से घूम रहा है, आप जहाँ जब चाहे उसको रोक सकते हो और घुमा सकते हो, ठीक है। तो आपको एक फिडजेट स्पिनर की ही फीलिंग आ जाएगी। तो एक बार आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई करके देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह देखिए फ्रेंड्स, और एक हिडन सेटिंग ये है कि आप अपना डायल पैड ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ *#*#4636 #*#* टाइप करके डायल कर दीजिए, ठीक है। तो एक स्क्रीन आ जाएगा, इसमें देखिए यहाँ यूसेज स्टैटिस्टिक्स है ना, इस पर जाने के बाद यहाँ देखिए आपके जो कुछ भी आपने आज के दिन ऐप्स ओपन किए थे ना, उन सारों की हिस्ट्री आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे देखिए, मैंने गूगल क्रोम को कब ओपन किया है और वन प्लस लॉन्चर को कब ओपन किया है, यूट्यूब को कब ओपन किया है, सब डेट और टाइम के साथ दिखाई देगा। तो देखिए, आप किसी फ्रेंड को अपना मोबाइल देते हो, देने के बाद देखिए उसने कुछ उसमें छेड़खानी की है, यानी कुछ ऐप्स को ओपन किया है, बाद में उसकी हिस्ट्री आपको उसकी हिस्ट्री क्लोज करके आपको दे दिया है, ठीक है। तो आप तो देखिए हिस्ट्री क्लोज की हिस्ट्री क्लियर करने के बाद तो आप नहीं जान सकते हो कौन से ऐप्स उसने ओपन किए हैं, पर इस ट्रिक के जरिए हिस्ट्री क्लियर करने के बाद भी जान सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, लास्ट एंड फाइनल ट्रिक ये है कि आपके मोबाइल पर अगर नेट ना हो तो आप क्या करते हो, देखिए ऐसे ही बैठे रहते हो और देखिए आपके मोबाइल पर कुछ गेम भी नहीं है और नेट भी नहीं है, तो देखिए आप एक गेम खेल सकते हो। उसके लिए देखिए, आपको गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ गूगल टाइप करना है, ठीक है। तो गूगल टाइप करिए, जो कुछ भी साइट का नाम टाइप कर दीजिए। टाइप करने के बाद देखिए, अगर आपके पास नेट ना हो तब भी देखिए आप इसमें एक गेम खेल सकते हो, हिडन गेम। एक डायनासोर का गेम होता है, बहुत सारे लोगों को पता ही है, पर जो लोग नहीं पता, जिसको नहीं पता है उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। जैसे देखिए, मैं अब अपने मोबाइल पर नेट ऑफ कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ बहुत सारा टाइम ले रहा है। तो देखिए, नेट ऑफ होने के बाद यू आर ऑफलाइन बोल के इस तरह का मैसेज आएगा। आप इसको, ये जो डायनासोर है ना, इसको टैप करते जाइए, देखिए आपके पास एक गेम शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब तक आपके वाईफाई से कनेक्ट ना हो जाते तब तक आप इसको खेलते रह सकते हो, और इसके लिए देखिए कोई भी गेम को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस करिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, गूगल प्लस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए। थैंक यू।